चलिए दोस्तों चालू करते हैं आज की भी टेक न्यूज। बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक न्यूज लेके आया हूं मैं। सबसे पहले जो न्यूज़ है वो एप्पल की तरफ से रहे। एप्पल के आईफोन 12 सीरीज के फोन जो आने वाले उसके कुछ पिक्चर लीक हुए जिसके ऊपर दिखाई दे रहे हैं इस फोन में कैमरा सेटअप जो है वो आईफोन 11 के जैसे ही रहने वाला है, लेकिन एक और एक अलग सेंसर दिखाई दे रहा है, लिडार सेंसर दिखाई दे रहा है, तो बहुत ही बढ़िया दिखाई दे रहा है ये फोन। थोड़ा बेजल्स और थोड़ा मोटा दिखाई दे रहा है एप्पल आईफोन 11 से। बहुत ही जल्द ये फ़ोन जो है ये लॉन्च होने वाला है। सितंबर एंड तक नहीं होगा, अक्टूबर के फर्स्ट वीक में एप्पल जो है वो इस फ़ोन को अनाउंस कर सकता है। तो जैसे ही ये फ़ोन लॉन्च होता है तो और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो इस फ़ोन की हमें मिलने वाली है। और अगली जो न्यूज़ है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही सरप्राइजिंग न्यूज़ है दोस्तों। टीवी के साइज जो है वो बहुत ज़्यादा बड़े से बड़े होते जा रहे हैं। LG ने एक टीवी लॉन्च किया है जिसकी साइज़ जो है वो 163 inches है। और 163 inches मतलब बहुत ही बड़ा टीवी हो जाता है। यहाँ पर लोग 40 इंचेस 50 इंचेस के टीवी लेते हैं और 163 inches मतलब इतना बड़ा टीवी घर में कहाँ पर लगाएंगे। शायद ये टीवी जो है प्रोफेशनल लोगों के लिए किया रहेगा, तो देखना इंटरेस्टिंग होगा। ये टीवी जो है ये LG इंडिया के अंदर लॉन्च कर रहे हैं, और अगर ये टीवी लॉन्च करता है मतलब कमर्शियली लॉन्च करता है तो इस टीवी की प्राइस क्या रहेगी, 15 लाख, 20 लाख या फिर उससे ज़्यादा भी रह सकती है। और अगली चैनल जो वो वीवो की तरफ से आ रहे हैं। वीवो के V20 सीरीज के फोन जो बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाले हैं। इस सीरीज में 3 फोन आने वाले हैं, वीवो V20, V20 SE और V20 Pro। इस फोन के कुछ इमेजेस लीक हुए, लाइव शॉट्स जो है वो इस फोन के लीक हुए। सेम टू सेम कैमरा सेटअप जो है वीवो X50 Pro के जैसे ही दिखता है, मतलब गिम्बल कैमरा सेटअप दिखाई दे रहे हैं। और इस फोन की डिजाइन जो है बैक पैनल की वो बहुत ही बढ़िया दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही सस्ते नहीं होने वाले ये फ़ोन, क्योंकि गिम्बल टेक्नोलॉजी है, एक नई टेक्नोलॉजी है, अभी तक किसी फोन में नहीं आए। तो शायद 30-35,000 के अराउंड लॉन्च हो सकते हैं वीवो की तरफ से। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा वीवो जो है वो इस फोन को किस प्राइस पॉइंट पे लॉन्च करता है, ये देखना सबसे इंटरेस्टिंग। वैसे मैं आपको रिमाइंडर दे दूं दोस्तों, ये फोन जो है ये 24 सितंबर को मलेशिया के अंदर लॉन्च करने वाला है वीवो। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा इस फोन की प्राइस क्या रहती, ये देखना सबसे इंटरेस्टिंग होगा। अगली जो न्यूज़ है वो इन्फिनिक्स की तरफ से आ रही है। इन्फिनिक्स के Note 7 ये जो फोन है ये 16 सितंबर को लॉन्च होने वाला है, ऐसे इन्फिनिक्स की तरफ से ऑफिशियली कहा गया है। और इन्फिनिक्स नोट 8 जो है वो Geekbench पे लिस्ट हो गया है, जिसके अंदर दिखाई दे रहा है इस फोन में MediaTek Helio G80 प्रोसेसर आने वाला है। 6GB रैम वेरिएंट भी दिखाई दे रहा है। और देखना इंटरेस्टिंग होगा कि इन्फिनिक्स नोट 7 जो है वो 16 सितंबर को किस प्राइस पॉइंट पे लॉन्च होता है, ये देखना सबसे इंटरेस्टिंग होगा। और अगली जो न्यूज़ है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है दोस्तों। फ्लिपकार्ट के बिग सेविंग डेक्स चालू होने वाले, ये जो है ये साल में एक ही बार आते हैं और बहुत बड़े डिस्काउंट्स होते हैं इसमें। इसमें फ्लिपकार्ट ने कुछ चेंजेस किए, जैसे कि आप अभी ₹1 पे करके प्रोडक्ट जो है वो सेव कर सकते हैं, मतलब उस सेल में आपको वो प्रोडक्ट जो है वो कन्फर्म मिलने वाला है। थोड़े ही दिन में अमेजोन का भी सेल आएगा। फ्लिपकार्ट जब भी सेल करता है तब अमेजोन पे रखता है। जैसे कि अमेजोन के प्राइम डे सेल आए थे, वैसे फ्लिपकार्ट ने अपने सेल जो है वो चालू कर दिए थे, मतलब अमेजोन के सेल्स भी बहुत ही जल्द आने वाले। तो आपको अगर कोई फ़ोन लेना है या फिर गैजेट लेना है तो आप इस सेल में ले सकते हैं। उसके ऊपर अलग से वीडियो जो है वो आपको 2-3 दिन में मिल जाएगा, उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए दोस्तों। पर अगली जो न्यूज़ है वो पोको की तरफ से आ रही है। पोको का X3 NFC का लॉन्च हुए 3 दिन हो गए, और ये जो फ़ोन है इसके 1 लाख यूनिट जो है वो ऑलरेडी सोल्ड हो गए, ऐसे पोको की तरफ से कहा जा रहा है। फ़ोन स्पेसिफिकेशन वाइज तो बहुत ही बढ़िया दिखाई दे रहा है और प्राइस भी बहुत ही एग्रेसिव है। ये फोन जो है ये इंडिया के अंदर लॉन्च नहीं किया पोको ने अभी तक, तो देखना इंटरेस्टिंग होगा पोको जो है वो इस फोन को इंडिया के अंदर कब तक लॉन्च करता है। आज की फाइनल न्यूज है वो यूट्यूब की तरफ से आ रही है। हम लोग अभी यूट्यूब पे ही है, यूट्यूब की तरफ से न्यूज आ रही है। यूट्यूब म्यूजिक जो है वो 500 मिलियन से ज्यादा बार डाउनलोड हो चुका है। एप्पल ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर से ये जो है ये 500 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड हो चुका है। और ये जो होते हैं ये अलग क्लब के मेंबर होते हैं, मतलब बहुत ही कम ऐसे एप्लीकेशन होते हैं जो कि 500 मिलियन से ज़्यादा डाउनलोड होते हैं, उसमें अब YouTube म्यूजिक भी शामिल हो चुका है। और अगली जो न्यूज़ है वो TikTok की तरफ से आ रही है। TikTok जो है वो अब USA के अंदर भी परमानेंटली बैन होने वाला है, मतलब इंडिया में भी अब TikTok नहीं आने वाला है, क्योंकि USA की Microsoft जो है वो उसे खरीदने वाली थी। अगर Microsoft खरीद लेती तो इंडिया में भी ये ऐप जो है ये वापसी कर सकता था। चाइना ने खुद ने कहा है कि हम जो ये फोर्स सेल जो है इसे हम बैन कर रहे हैं, मतलब हमें जो है इस एप्लीकेशन को सेल नहीं करना। बाइटी डांस ओनर जो है वो बाजू में ही रह गए, लेकिन चाइना ने खुद ने अनाउंस कर दिया कि हम जो है इसे फोर्सली सेल करना नहीं चाहते, अगर अच्छी प्राइस मिलती है तो ही हम इसे सेल करेंगे, ऐसे चाइना की तरफ से ऑफिशियली कहा गया। मतलब टिकटॉक जो है वो USA के अंदर कन्फर्म बैन होने वाला है, क्योंकि इस डील को होने के लिए अब सिर्फ 3-4 दिन बचे हैं। 15 सितंबर लास्ट डे है, मतलब आज से अगर आप पकड़ते हैं तो 4 ही दिन। 4 दिन में क्या डील होगी, जो कि पिछले 40 डेज में नहीं हुई, वो 4 दिन में क्या डील होगी, आपको क्या लग रहा है आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों।
तो चलिए दोस्तों आज के टेक न्यूज़ को यही खत्म करते हैं। अगर आपको टेक न्यूज़ पसंद आए तो इसे लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नीचे कमेंट करके बताना कि आपको टेक न्यूज़ का कौन सा पार्ट जो है वो बहुत ही बढ़िया लगा।